नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। रणबीर कपूर अपनी फिल्म शमशेरा को लेकर काफी चर्चा में हैं। फिल्म की पहली झलक देखकर ही लोग दीवाने हो रहे हैं। इस फिल्म में रणबीर के साथ कई और बेहतरीन कलाकार संजय दत्त और वाणी कपूर भी दिखेंगे। रणबीर डकैत बनकर इस फिल्म में करोड़ों वसूल रहे हैं, तो बाकी कलाकार ने भी मेकर्स से जेब अच्छी खासी ढीली करा दी है। तो चलिए, इंतजार किस बात का है, आपको बताते हैं कि किसको कितनी फीस मिल रही है इसके लिए। सबसे पहले बात करते हैं रणबीर कपूर की। रणबीर कपूर ना सिर्फ इस फिल्म के लीड रोल में हैं, बल्कि वो फिल्म की जान भी हैं। डकैत का रोल निभा रहे रणबीर कपूर ने इस किरदार के लिए जी जान लगा दी है। वही रोल जब इतना डिमांडिंग हो, तो फिर रणबीर कपूर ने भी अच्छी खासी फीस डिमांड कर दी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें इस रोल के लिए 20 करोड़ रुपए की फीस मिली है। इसके बाद बात करते हैं संजय दत्त की। रणबीर कपूर के अलावा संजय दत्त भी फिल्म में अहम किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके किरदार की खूब चर्चा हो रही है। बताया ये भी जा रहा है कि उन्होंने इस फिल्म में निगेटिव रोल प्ले किया है। वहीं फीस की अगर हम बात करें, तो कहा जा रहा है कि संजय दत्त को इसके लिए 8 करोड़ रुपए मिले हैं। वाणी कपूर, इनको कितनी फीस मिली है इसके बारे में बात करते हैं। इसी साल चंडीगढ़ करे आशिकी से बड़ा धमाका करने वाली वाणी कपूर भी शमशेरा में रणबीर कपूर के अपोजिट नजर आएंगी। फिल्म में उनका रोल क्या होगा, फिलहाल इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें मिली फीस को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि वाणी को इस रोल के लिए 5 करोड़ रुपए मिले हैं। रौनित रॉय के किरदार के बारे में ज्यादा कुछ तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो फिल्म में अहम किरदार निभाने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें 4 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस दी जा रही है। आशुतोष राणा, अपने करियर में कई बेहतरीन और दमदार रोल निभा चुके आशुतोष राणा भी इस फिल्म का हिस्सा हैं, लेकिन उनके रोल को लेकर जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। बताया ये जा रहा है कि उन्हें इस फिल्म में 3 करोड़ रुपए मिले हैं। तो देखा आपने, फिल्म के स्टार कास्ट ने अच्छी खासी फीस चार्ज की है। आपको बता दें कि फिल्म को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है, जो कि इससे पहले अग्निपथ और ब्रदर्स जैसी फिल्में बना चुके हैं। फिल्म शमशेरा को 200 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में बनाया गया है। फिल्म का ट्रेलर लोगों को इस कदर पसंद आया है कि लोग इसकी तुलना KGF 2 से कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि ये फिल्म 22 जुलाई को रिलीज होगी। वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।